नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। हजराना नहसावली बाबा का उर्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है। 3 फरवरी को उर्स चल होने वाला है। उसमें 3 फरवरी को हजराना गांव जामा मस्जिद से चादर आएगी गांव में घूमती हुई। 4 तारीख को यहाँ पर नात का प्रोग्राम है। 5 तारीख को कव्वाल का प्रोग्राम है। 6 को भी कव्वाल लोगों का प्रोग्राम है। 7 को भी कव्वाल लोगों का प्रोग्राम है और 8 को कव्वाल लोगों का। 5 तारीख को मुशायरा होने जा रहा है। मुशायरे में राहत इंदौरी जी, यूपी के, दिल्ली के ये लोग आ रहे हैं। गीता चुस्ती है वो भी आ रही है। राहत इंदौरी जी आ रहे हैं, साहब है गीता जी, बाकी और भी ये 5 लेडीज़ हैं। उसमें सब बाहर से इधर उधर से आ रहे हैं, बॉम्बे से, यूपी, सब कुछ से। लाखों जायरीन यहाँ पर आते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग। और 5ों दिन खाने का प्रोग्राम रहता है, लंगर का बहुत बड़ा लंगर होता है। वो 5ों दिन पटेल लोगों की तरफ से होता है, जिसमें कोई भी लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग खाते हैं। उसमें आलू है, पूरी है, नुक्ती है, ऐसे लंगर बनता है। अलग हट के उर्स होने जा रहा है और जोर शोर से यहाँ पे काम चल रहा है। बाहर जो पानी इधर उधर फैल रहा था वो भी सदर साहब की जानिब से पाइपलाइन 10,000 करीबन 800-900 स्क्वायर फीट 1,000 फीट के करीब लगाई गई और करीब 12,000 स्क्वायर फीट में ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। ये सब अभी ताम झाम और रंगई पोताई और सर्वधर्म का बहुत एक अलग हटके उर्स इनकी सदारत में होगा और बहुत शानदार होगा। यूनुस पटेल उद्योगपति मुस्लिम नायता पटेल प्रदेश अध्यक्ष खजराना इंदौर। कानून का उल्लंघन करने पर अब तक आपने सिर्फ इंसानों को हवालात की हवा खाते ही देखा होगा, पर क्या किसी हाथी को थाने में पुलिस अभिरक्षा में देखा है? नहीं ना, तो चलिए हम आपको आज थाने में गजराज की खबर से रूबरू कराते हैं। मामला नरसिंहपुर के थाने गोटे गांव का है, जहां परिवहन अवज्ञा न होने पर मुहावतवों द्वारा ले जा रहे हाथी को थाना परिसर में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है और इस दौरान बकायदा उनका मेडिकल मुलायजा भी कराया गया। हालांकि थाने में गजराज की अभिरक्षा के चक्कर में थाना पुलिस को हाथी के जमकर खातिरदारी भी करनी पड़ रही है और हाथी के भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ रही है। वहीं हाथी को सुरक्षा में रखने की जानकारी नरसिंहपुर में आग की तरह वायरल हो रही है और खूब सुर्खियों में बनी हुई है। पुलिस अभिरक्षा में गजराज चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। हाँ, एक हाथी जो छतरपुर गांव के आसपास घूम रहा था तो पब्लिक की शिकायत बनने पर TI साहब द्वारा उसकी अभी जांच की जा रही है। और क्योंकि हाथी को कहीं ले जाना करने के लिए एक उसकी DP जो होती है परिवहन अनुज्ञा, वो उसके पास नहीं है, तो फॉरेस्ट वालों को बताया गया है और जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। कल वही 1 बजे करीब। अच्छा, फिर आपकी व्यवस्था क्या हुई हाथी के लिए? हाथी के लिए सर ने गन्ना बुलवाया है और सब खर्चा पानी भी दिए और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कागज बस देख के और फिर छोड़ दिए। जाते हुए देखे उस संबंध में जब उनके हाथी के जो परिचालक लोग थे उनसे बातचीत की गई, उनके पेपर्स देखे गए तो उसमें एक परिवहन अनुज्ञा होती है जो वन विभाग जारी करता है, वो परिवहन अनुज्ञा के कागज नहीं थे। उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया हुआ था वन विभाग के लिए, लेकिन उनके पास अभी ये कागज उपलब्ध नहीं थे, तो उनको एहतियातन सुरक्षा के नाते वो यहाँ थाना परिसर में लाकर खड़ा कर लिया गया है। खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।